राखी सावंत की मां जया भेड़ा का कल यानी 28 जनवरी को निधन हो गया है। वो काफी समय से मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती थी। राखी की मां को कैंसर और ब्रेन ट्यूमर था। कल राखी और उनके करीबी दोस्तों ने जया के निधन की पुष्टि की है। राखी अंतिम समय में अपने मां के साथ ही थी। उन्हें हॉस्पिटल के बाहर अपनी मां की बॉडी को बाहर ले जाते देखा गया। इस दौरान वो पूरी तरह से बेसुध नजर आई। कैंसर से एक लंबी जंग लड़ रही राखी सावंत की मां जया सावंत शनिवार को ये जंग हार गई हैं। जया सावंत का शनिवार रात 9 बजे क्रिटिकेयर अस्पताल में निधन हो गया है। 73 साल की जया सावंत कैंसर से पीड़ित थी। जया की सर्जरी की गई थी लेकिन ठीक होने के बजाय कैंसर उनके ब्रेन, लंग्स और लीवर में फैल गया था। राखी सावंत ने ये दुखद खबर अपने इंस्टा पर शेयर कर लिखा कि बहुत दुखी हृदय के साथ मैं राखी सावंत आपको बताना चाहती हूं कि मेरी मां का अचानक देहांत हो गया है। राखी ने अपनी मां के साथ हॉस्पिटल की एक वीडियो शेयर कर उन्हें याद किया। राखी ने लिखा, आज मेरी मां का हाथ सर से उठ गया, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूं मां, आपके बिना कुछ नहीं रहा। अब कौन मेरी पुकार सुनेगा, मुझे गले कौन लगाएगा, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आई मिस यू। अपनी मां के पार्थिव शरीर को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए राखी सावंत के आंसू थम नहीं रहे थे। वो अपने पति आदिल दुर्रानी के साथ डॉक्टर आरएन कूपर म्युनिसिपल जनरल अस्पताल के बाहर स्पॉट की गईं। इस दौरान राखी सावंत बेहद मायूस दिखाई दी। राखी अपने पति आदिल के साथ हाथों में हाथ डाले चलती हुई नजर आई। आदिल भी काफी टेंशन में दिखाई दिए। राखी सावंत अपनी माँ को कब्रगाह की ओर ले जाती वैन को गाइड करती नजर आई। डेक्स रिपोर्ट, मुंबई महानगर।